छत्तीसगढ़ में दूसरे और अंतिम चरण के लिए 19 जिलों की 72 सीटों पर मतदान हो रहे हैं और वहीं चुनाव का प्रचार इतनी जोर शोर से हुआ था कि एक शख्स अमेरिका से लौटाया मतदान करने के लिए। बता दें कि मनेंद्रगढ़ का रहने वाला ये शुभम गोयल 3 साल से अमेरिका के कैलिफोर्निया में रह रहा है। सुनिए चुनाव प्रचार पर क्या कुछ कहना है शुभम गोयल का। अमेरिका से आए हुए हैं, क्या सोच करके मतदान करने के लिए स्पेशली आए हुए हैं? तो जब मैं वहाँ था तो फेसबुक में बहुत सारे ऐड देखे मैंने कि 20 तारीख को छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले दिवाली भी थी, तो मैंने पूरा प्लान किया तो मैं दिवाली यहाँ मनाऊँ, फिर अपना मतदान दूंगा, फिर मैं अगले दिन वापसी जाऊँगा। तो सरकार का ये बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना प्रचार प्रसार किया और जिससे मैं एक्साइटेड होके मैं आया कि वोट दे सकूँगा। क्या लगता है सरकार जो मतदान को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रही है और आप स्पेशली अमेरिका से भी यहाँ पर रुके हुए मतदान के लिए क्या करने जा रहे हैं? मुझे उतनी जानकारी नहीं है जितना मैं आया हूँ यहाँ, जो पढ़ रहा हूँ वो प्रत्याशियों के बारे में कैसे वो अप्लाई करते हैं, कैसे प्रोसेस होता है, जैसे आज और कल प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, तो ये सब प्रोसेस बहुत ही अच्छा है सरकार का। सरकार जितना प्रोत्साहन दे रही है लोगों को कि आइए वोट कीजिए, चुनिए अपना नेता, वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है सरकार। आपको बता दें कि 12 नवंबर को प्रदेश के 18 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे तो वहीं 18 दिसंबर को नतीजे आने वाले हैं। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।